नमस्कार, शिवम का रेडियो स्टेशन पे आप सभी का बहुत स्वागत। मेरा नाम शिवम शर्मा है और आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ क्रांतिदूत श्रृंखला के भाग एक पुस्तक की एक छोटी सी कहानी। ध्यान रखिए, ये पुस्तक एक लंबी श्रृंखला है और इसके लेखक डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी हैं। आशा है आपसे कि ये पुस्तक उठाइए, घर पर पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि हमारे इतिहास में जो इन्फॉर्मेशन डेफिसिट है, जो सूचना को लेकर के एक बहुत बड़ा घाटा है, उसको पूरा करने के लिए ऐसी किताबों का पढ़ा जाना बहुत आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं काकोरी कांड की छोटी सी कहानी। १९२५ का काकोरी कांड वो घटना थी जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। सरकारी खजाने की लूट एक ऐसा कांड था जिसने पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की बुझती लौ में घी का काम किया था। इस घटना ने अंग्रेजों में हाहाकार मचा दिया था। उनके लिए विश्वास करना मुश्किल था कि बिना किसी संसाधन और संगठन के भारत के क्रांतिकारी ऐसी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकते। बिस्मिल साहब और सचिन नाथ सन्याल आदि साथियों को डर यह भी था कि आजाद कहीं अपनी चंचलता के चलते अपने साथियों को भी न ले डूबे। किंतु काकोरी कांड ने यह डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया, क्योंकि जब काकोरी कांड में लिप्त सभी क्रांतिकारी पकड़े गए और मात्र आजाद ही आजाद रह पाए। पुलिस से बचते बचाते चंद्रशेखर आजाद पहले काशी पहुंचे, जहां कुछ दिन छिपने के बाद वे प्रयागराज जा पहुंचे थे। पुलिस की सरगर्मियां तेज होती जा रही थी। उनको अपने दोस्त भाई का कहा याद आ रहा था, झांसी में तुम्हारा एक और घर है आजाद, उसे याद रखना। झांसी एक बार फिर से आजाद को अपनी गोद में छुपाने को तैयार थी। मुन्नी भाभी अपने देवर के लिए कड़ी चावल बनाकर इंतजार कर रही थी। मास्टर जी अपनी आराम कुर्सी पर झूलते हुए आने वाले समय में अग्निधर्मी झांसी की क्रांति की भूमिका के बारे में सोच रहे थे। रानी सा का ऋण चुकाने का वक्त आ चुका था और तभी दरवाजे पर किसी ने हाथ से थपथपाया। थपथपाने के अंदाज से मास्टर जी मुस्कुरा पड़े। दोस्त भाई आ गया था। कौन था यह दोस्त भाई और कौन थे मास्टर जी, ये जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा क्रांति दूत श्रृंखला की ये कहानी, ये किताब, ये पूरी पुस्तक श्रृंखला। दोस्तों, जानना जरूरी है कि असल में हमें जो आजादी मिली वो किसके कारण मिली। यहां बहुत कुछ अधिक नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि इस इंफॉर्मेशन डेफिसिट को घटाने का समय आ गया है। पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को। कैसी लगी ये कहानी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।